हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज एसएन, यू वाचिंग टेक क्लैरिटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आप लोगों को बताते हैं कि UFS 2.1, 3.1, 4.0 ऐसा कुछ, जैसे अभी न्यू वर्जन आया 4.0 UFS, स्टोरेज मिल रहा है आपको इसमें, मेमोरी इतना मिल रहा है, मेमोरी वो मिल रहा है, तो ये सारा चीज़ क्या होता है? जैसे कोई भी टेक यूट्यूबर जो भी है, टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्निकल गुरु जी हो गए, और भी बाकी सारे जो लोग होते हैं, हम जब स्पेसिफिकेशन बताते हैं इवेंट में, जब मैं स्पेसिफिकेशन बताता हूँ तो उस टाइम हम बताते हैं कि UFS 2.0 मिल रहा है आपको, 3.1 मिल रहा है, या 4.0 मिल रहा है, या अपकमिंग फोन्स में 4.0 मिलेगा। तो UFS क्या होता है, उसके साथ EMMC क्या होता है और NAND क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद मैं आपको 100% श्योर देता हूँ कि आप कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो आप बात करते हैं UFS से लेके हम NAND तक जाएंगे, यानी ND तक, जो NAND मेमोरी है उसके तक, उस तक जाऊंगा मैं। तो UFS क्या होता है, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, और EMMC क्या होता है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, ये, और NAND इसकी एक वर्जन है, वो चीज़ मैं लास्ट में बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों चीज़ समझते हैं। UFS जो होता है, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, मैंने आपको बताया, उसके बाद एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। एम्बेडेड मतलब इससे समझ में आता है कि इनबिल्ट होता है वो चीज़, जैसे कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, SSD जो होता है। उसके बाद फ़ोन पर भी सेम चीज़ आता है, EMMC और EFS जो स्टोरेज होता है। हमें पता है कि पहले ज़माने की जो स्टोरेज थे, हमारा जो हार्ड डिस्क था, हार्ड ड्राइव था, जो SSD थे, वो कितना मोटा मोटा से, कितना भारी भारी से होता था। ठीक है, तो अब UFS होता है हमारे फोन्स के लिए सेम, जैसे कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क और SSD होता है ना, सेम होता है हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव जो होता है, वो चीज़ होता है कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप्स में भी होता है हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव ऐसा होता है, फ़ोन के लिए भी होता है, फ़ोन के लिए स्पेसिफिक EMMC और UFS होता है, इसमें SSD नहीं होता है। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको इतना बात क्यों बताया जाता है। EMMC जैसे मैंने बताया कि एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, ये लैपटॉप्स में भी होता है, फ़ोन पे भी होता है। एम्बेडेड मतलब जो मदरबोर्ड होता है, जो सर्किट बोर्ड होता है, उसमें क्या करता है, ये एक होता है, आपको कैसे बताऊँ मैं, एक IC होता है, जैसे IC बताते हैं काला काला सा, ब्लैक कलर्स का, जैसे रोम जिसको बताते हैं हम, वो इनबिल्ड होता है, इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो इनबिल्ड होता है, लैपटॉप्स में भी होता है, फ़ोन पे भी होता है, वो EMMC होता है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। और EFS भी होता है, वो सर्किट में बिठाया जाता है, सर्किट में भी होता है, वो भी सर्किट में होता है, वो इंटरनल स्टोरेज होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, EMMC जो था वो पहले का था, ओल्ड वर्जन था, उसके बाद में जो हायर वर्जन आया, जो न्यू वर्जन आया, वो होता है आपका UFS स्टोरेज। दोनों चीज़ क्या होता है, स्टोरेज है, मेमोरी है। ठीक है, दोनों चीज़ मेमोरी है। अब देखो, EMMC जो था वो पुराने टाइम का था, उसका स्पीड बहुत कम था, जो UFS है बहुत ज़्यादा स्पीड वाला है। इसमें कुछ एडवांटेज में है, उसमें कुछ डिसएडवांटेज में है। ठीक है, तो EMMC में जो देखो, EMMC क्या होता है, एक मेमोरी कार्ड था, वो उसमें NAND आता है। ठीक है, उसके उसमें ही NAND आता है, NAND तो बाद में बताते हैं हम। तो EMMC मेमोरी कार्ड होता है, उसमें सिर्फ सिंगल टाइम वर्क होता है, मतलब एक साइड में काम कर सकते, सिर्फ अगर आप कोई रीड कर रहे हो, उस स्टोरेज में कुछ आप जैसे मूव कर रहे हो, मूव के टाइम पर आप इसे मूव या कॉपी कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो इसमें, तो आप इससे, इस EMMC कार्ड से सिर्फ एक बार में सिर्फ आप कॉपी करके पेस्ट ही कर सकते हो इसमें, इससे आप कॉपी करके दूसरे स्टोरेज में नहीं लेके जा सकते, मतलब एक साथ दोनों डायरेक्शन के काम नहीं हो सकता है। और जो UFS होता है, वो UFS क्या करता है, दोनों तरीके काम कर सकते हो आप, दोनों साइड के काम कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो एक साथ, मतलब उससे कॉपी भी, इससे फाइल्स लेके दूसरे किसी स्टोरेज में कॉपी कर सकते हो, और दूसरे किसी स्टोरेज से लेके हम इसमें पेस्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीके से काम कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन का काम हो सकता है इसमें UFS में। और EMMC जो कार्ड मेमोरी है, बहुत थोड़ा सा स्लो है, इससे बहुत 2x, 10x आप बता सकते हो, इतना ज़्यादा फास्ट होता है UFS स्टोरेज। तो EFS स्टोरेज में और भी एडवांटेज में है, जैसे ये लो पावर कंज्यूम करता है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, और EMMC जो था पहले, EMMC मुकाबले में, मतलब कंपेरिजन में, बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेता है, कम पावर लेता है, ये ज़्यादा पावर लेता है, EMMC जो पावर ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो आप देखो, UFS में क्या होता है, रैम मेमोरी एक साथ आ सकता है, स्टोरेज, जो इंटरनल स्टोरेज और रैम मेमोरी एक साथ आ सकते हैं, जैसे हम इंटीग्रेटेड बताते ना, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जैसे होता है ना, वैसे इंटीग्रेटेड रैम एक साथ आ सकता है, इंटीग्रेटेड रैम उसमें आ सकता है UFS स्टोरेज में, जैसे मैंने बताया आपको अभी। और EMMC में क्या होता है, या तो सिर्फ स्टोरेज होगा, जो इंटरनल मेमोरी होगा, या तो सिर्फ आपका रैम मेमोरी होगा,
वो दोनों अलग अलग आता है एक साथ। जो नैंड होता है, अब ये नैंड में बात करो, नैंड जो ईएमएमसी होता है वो सिर्फ सिंगल टाइप होता है, उसमें सिर्फ इंटरनल स्टोरेज होता है। जो नैंड ईएमएमसी होता है सिर्फ सिंगल, सिर्फ इंटरनल स्टोरेज होता है, उसमें कोई रैम का पार्ट नहीं होता है, उस मेमोरी का रैम का वो काम नहीं कर सकते, हम इंटीग्रेटेड रैम उसमें नहीं बता सकते, वो रैम का काम नहीं कर सकते एक साथ, वो आपका कुछ फाइल्स भी सेव नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपका कोई रैम का काम भी नहीं कर सकता है। वो जो एप्लीकेशन लॉन्च है लोड करने का, जो फोटोज वगैरह लोड करने का, वो सारा एक साथ नहीं कर सकता है, वो गेम के लिए हमें रैम का ज़रूरत है ना, वो रैम का काम नहीं कर सकता है। और यूएफएस में क्या होता है, वो एक साथ कर सकते हैं। नैंड का मतलब अभी समझ में आ गया ना आपका, नैंड का जो नैंड अगर कोई बताता है कि नैंड ईएमएमसी है, तो मतलब वो सिंगल स्पीड इंटरनल स्टोरेज के लिए, उसमें कोई रैम नहीं है, रैम का कोई पार्ट नहीं, वो काम नहीं कर सकता है। बस नैंड का इतना ही यहाँ पे काम है, मतलब इससे इतना ही पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है आपको अभी ये चीज़ की, सिंगल से भी इंटरनल स्टोरेज के लिए। अब देखिए यूएफएस में और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैंने जैसे बताया कि यूएफएस क्या कर सकता है, एक साथ दो काम कर सकते हैं, लो पावर कंज्यूम करता है, में इंटीग्रेटेड रैम भी आ सकता है उसमें, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद आपका जैसे एप्लीकेशन, जब हम फास्ट बताते तो एप्लीकेशन लॉन्च के टाइम पे, मतलब ओपन टाइम क्लोज टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड होगा आपका, यूआई स्मूथिंग और ज़्यादा वगैरह आपका, जैसे यूआई अगर आपका जैसे एसएसडी में होता ना, जैसे हम एसएसडी कंप्यूटर और लैपटॉप की एसएसडी में जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, जो ओएस इंस्टॉल करते हैं, और एज़ कम्पेयर टू जिसका हार्ड डिस्क में होता है, इससे ज़्यादा बहुत फास्ट होता है, वो सेम चीज़ होता है इसमें यूएफएस और ईएमसीसी में। यूएफएस में और एक बात आता है कि यूएफएस टू जो यूएफएस होता है 2.0, 2.1, 3.1 जो बातें हो रहा है, वो सारा चीज़ क्या होता है, वो सारा होता है इसका अपर वर्जन, वो 2x या 3x फास्ट होता है। अगर UFS 2.0 देख रहे हो, 2.01 जो होता है, वो 2x 3x फास्ट होता है। जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में कि अगर आपका रैम्स का, जैसे मैंने DDR4 DDR3 रैम वाले में बताया था, अगर आपका 250 GB तक अप टू मैक्सिमम स्पीड है, तो उसके क्या होता है, उसका जो लोएस्ट कैपेसिटी होता है उसका मैक्सिमम वाला जो कैपेसिटी होता है, अगर 2.0 का जो मैक्सिमम कैपेसिटी, उसका लोएस्ट कैपेसिटी होगा जो अपर वर्जन होगा 2.1 का या 3.0 का, ऐसा होता है ज़्यादा फास्टर होता है, जो 2.0 2.1 जो होता है वो सारा कुछ अपर वर्जन होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बस इतना सारा चीज़ें बताया जाता है, 2.1 2.3 4.0 द्वारा बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, लेकिन स्टोरेज सेम ही है, सेम चीज़ है, सेम ही मेमोरी है, लेकिन इसका सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाया जाता है। एडवांटेज जो होता है ना, दिन ब दिन वो ज़्यादा स्पीड में काम कर जाता है। जैसे 4G 5G है, जैसे 2G था इससे बहुत ज़्यादा स्पीड है, 3G 3G से और भी ज़्यादा स्पीड में, 4G 4G से और भी ज़्यादा स्पीड में है, 5G जैसे वीवो आजकल काम कर रहा है 6G में, तो और भी ज़्यादा फास्टेस्ट है वो। बस अपर लेवल वर्जन है, 0.0 जो जो आप सुनते हैं वो वर्जन है, बस इतना चीज़ है। आई होप आपको वीडियो में पता चल गया होगा, समझ में आ ही गया होगा, इससे कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आसानी में मैंने समझाया आपको। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कमेंट में आप बता सकते हो भाई को क्या सुधारना चाहिए और क्या क्या आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताऊँ, ऑलवेज कीप इन माइंड वुमन सेफ्टी थ्रू नो सिल्टी। बाय बाय।